अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने वाले हैं डिश टीवी D2H की ओर से नए लॉन्च किए गए जिंग सुपर एफटीए बॉक्स HD के DV5710 HD बॉक्स का। यहां पर हम इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे और आपको इस बॉक्स की काफी कमाल के फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो केवल आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा है बल्कि इसमें आपको फ्री रिकॉर्डिंग भी दे रहा है, यानी कि जो चैनल का प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कम से कम आपको 1 GB के पेन ड्राइव की जरूरत होगी, पेन ड्राइव लगाओ और आराम से जो चैनल का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना हो वो रिकॉर्ड करो। यानी कि रिकॉर्डिंग का फीचर पहले किसी भी जिंक बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिला होगा लेकिन इस बॉक्स में मिल रहा है। और ये जो है कंपनी जो बॉक्स है वो D2H के HD वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जैसे कि आप सामने देख भी सकते हो कि इसके आगे आपको D2H का लोगो भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि D2H का लोगो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब यही है कि ये D2H के सॉफ्टवेयर में ही चलेगा, लेकिन ये जो है आपको डिश टीवी और D2H दोनों के सिग्नल्स पर चलने वाला है। सॉफ्टवेयर जो है वो D2H का होगा जो कि पर्पल और ब्लैक कलर वाला होता है, लेकिन जो चैनल्स होंगे वो चैनल्स आपके तमाम कौन से मिलेंगे, आपको डिश टीवी के भी मिल जाएंगे नॉर्थ इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए और साउथ इंडिया के लिए आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा के लिए ST2 के सिग्नल भी मिल जाएंगे। यानी कि चैनल्स जो है वो दोनों के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होगा वो डिश टीवी वाला नहीं मिलेगा, आपको D2H के लोगो वाला और D2H के कलर वाला मिलेगा। लेकिन वो तो एक सेकेंडरी बात हो गई, मेन प्रायोरिटी आती है हमारे टीवी चैनलों की, जो कि 2 साल का प्लान आपको मिल रहा है और आती है इसमें आपको कमाल के फीचर की, जो कि रिकॉर्डिंग का फीचर आपको बिल्कुल कमाल का फ्री में मिल रहा है। बाकी फुल HD का बॉक्स है, यूजर इंटरफेस भी काफी कमाल का है बाकी बॉक्सेस के मुकाबले, तो देरी किस चीज की है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और उसके बाद इसको हम टीवी से कनेक्ट करके आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड उस बॉक्स को खरीदने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे दिया है, ऑल ओवर इंडिया के लिए इस बॉक्स को आप परचेज कर सकते हो हमसे। और अगर आपको वहां से परचेज करने में कोई परेशानी आ रही हो तो सामने मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर और कॉल का नंबर दे दिया है, आप बेझिझक होकर हमें कॉल करें और व्हाट्सएप करें, इस बॉक्स को आज ही खरीदें। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं अपने नए जिंक बॉक्स को। और सबसे पहले अगर हम बॉक्स के आउटर बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिश टीवी और D2H की ब्रांडिंग, उसी के नीचे HD का लोगो और यहाँ पर आपको जिंक सुपर के स्टीकर के साथ D2H का स्टीकर जो है वो लगा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली कंपनी यहाँ पर जो है इसको D2H के लिए क्लेम कर रही है कि हमने D2H में HD मॉडल लॉन्च किया है। लेकिन अगर कस्टमर चाहे, आप चाहें तो इसको डिश टीवी में भी एक्टिवेट करवा सकते हैं और D2H में एक्टिवेट तो होगा ही। तो अनबॉक्सिंग करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है बॉक्स में वो है इसका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको डिश टीवी D2H की ब्रांडिंग और मॉडल का नाम, और अगर आप एक एक करके पढ़ना चाहें तो यूज़र मैनुअल को एक एक करके भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो की केबल मिलने वाली है, बढ़िया क्वालिटी की ऑडियो वीडियो केबल है। तो यहाँ पर आपको HDMI केबल कंपनी की ओर से प्रोवाइड नहीं होती, अगर किसी को चाहिए तो अलग से खरीद सकता है हमसे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया क्वालिटी का जिंग का रिमोट मिलेगा, जिस पर आपको डिश टीवी D2H की ब्रांडिंग, और इधर बात करें तो आपको टीवी सोर्स का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि इसमें जो आप पेयर भी कर सकोगे अपने टीवी के साथ, इसको टीवी मोड और सोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर की ओर बात करें तो पावर का बटन, इन्फॉर्मेशन, एक्टिव गाइड और रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, अप डाउन राइट लेफ्ट ओके, वॉल्यूम का आपको चैनल का मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा सेंटर में, इसके अलावा बैक का, एक्सिट का, माई फाइल्स का, पॉज प्ले रिकॉर्डिंग, फेवरेट और म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप फॉरवर्ड और रिवाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे को कलर कीज, नंबर कीज देखने को मिलेंगे, D2H का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रिमोट के लिए आपको 2 बैटरीज यहाँ पर कंपनी की ओर से प्रोवाइड की गई हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का अडप्टर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो बारी आती है वो हमारे मेन यूनिट की आती है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये है हमारा नया मॉडल डिश टीवी D2H का जिंग DV5710 HD। आगे की ओर बात करें तो आपको LED इंडिकेशन यहाँ पर डिश टीवी D2H का लोगो कंपेटेबल विद डिश टीवी D2H दोनों लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की ओर बात करें तो आपको जिंक सुपर का स्टीकर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंक सुपर FTA में एक्टिवेशन के साथ आ रहा है। इस साइड बात करें थोड़ी सी वेंटिलेशन आपको बॉक्स के लिए मिलेगी, और इस साइड बात करें तो वेंटिलेशन के साथ आपको एक पेन ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। और बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में आपको LNB इन का ऑप्शन, HDMI आउट, ऑडियो वीडियो आउट, अडप्टर का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको आखिर में रीसेट का बटन भी दिया हुआ है, ताकि कभी आपका बॉक्स हैंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम करे तो इस बटन को दबाओ, आपका बॉक्स रीसेट हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का और बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स कंपनी ने यहाँ पर आपको बना के भेजा है,
तो चलिए देरी नहीं करेंगे, टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं और इस बॉक्स को कनेक्ट करके देख लेते हैं। हमारी जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और सामने देख सकते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट अपडेट हो चुका है और ये जो सॉफ्टवेयर है वो D2H का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन चैनल्स जो होंगे वो आपके डिश टीवी के यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप चैनल्स चाहें तो आपको डिश टीवी के भी मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो आपको D2H के चैनल मिल जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है वो आपको पर्पल और ब्लैक वाला ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है बॉक्स D2H के कंपैटिबल लॉन्च किया गया है, तो उसमें आपको डिश टीवी का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप यूजर इंटरफेस देख सकते हो बेहद कमाल का आ रहा है, बहुत ही शानदार क्वालिटी में आ रहा है और तमाम चैनल्स आपके डिश टीवी के मेरे बॉक्स में स्टोर हो चुके हैं। जो चैनल आपके देखे जाने वाले हैं वो भी इसमें आपको मिल रहे हैं, चाहे वो स्टार उत्सव हो, चाहे वो आपका जी अनमोल हो, चाहे वो आपका कलश रिश्ते भी क्यों ना हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस में, तो आपको मेन्यू में सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, माई लाइब्रेरी मिलेगा, माई अकाउंट, इन्फो, मेल बॉक्स, गाइड, एक्टिव सर्विसेज का ऑप्शन मिलने वाला है। एक्टिव सर्विसेज में आप देखेंगे तो तमाम एक्टिव सर्विस के चैनल जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा सेटिंग्स में बात करें तो सेटिंग्स में आपको सिस्टम सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सैटेलाइट मैनेजमेंट, कंडीशनल एक्सेस, मास्टर रीसेट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन आता है। वह यूजर सेटअप में बात करें तो आपको लैंग्वेज, फेवरेट्स, चैनल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, टीवी आउटपुट, रिमाइंडर का ऑप्शन, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट, DVR सेटिंग्स और स्टोरेज डिवाइस फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज के अंदर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हो। फेवरेट्स में बात करें तो तमाम चैनल्स की लिस्ट आप फेवरेट में क्रिएट कर सकते हो। चैनल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपका डिफॉल्ट पासवर्ड 1234 रहने वाला है, जहाँ से आप चैनल को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको OHD ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। वही टीवी आउटपुट की बात करें तो 16:9 का रेशो आपको मिल जाएगा और HD फॉर्मेट में आपको 1080p की पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। तो आपको दो ही यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेंगे, 720 और 1080p। और इसके अलावा रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो किसी प्रोग्राम का। बाकी 3 ऑप्शंस आपको और भी यहाँ पर मिल जाएंगे पेन ड्राइव के। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको माई लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स और बुकिंग्स दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। रिकॉर्डिंग्स यानी कि इस बॉक्स में पेन ड्राइव लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो चैनल आप चाहो उसका प्रोग्राम में पेन ड्राइव लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और बुकिंग में बात करें तो आप जो है इसमें रिकॉर्डिंग की बुकिंग भी शेड्यूल भी कर सकते हो, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा माई अकाउंट की बात करें तो माई अकाउंट में आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी आपके पैकेज की। इन्फॉर्मेशन में बात करें तो आपको SMS सर्विसेज, कॉन्टैक्टर्स और STB इन्फो शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। मेल बॉक्स में बात करें तो फिलहाल इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और गाइड की बात करें तो तमाम चैनलों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से चैनल में कौन कौन सा प्रोग्राम अभी चल रहा है, और यहीं से आप जो है उसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग फीचर में, तो रिकॉर्डिंग फीचर में इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है रिमोट से R बटन यानी रिकॉर्डिंग का बटन दबाना होगा। और जैसे आप रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे, ऊपर आप देख सकते हो कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पेन ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। कम से कम आपको 1GB की पेन ड्राइव जो है यहाँ लगानी होगी, जिसमें आप अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि जो चैनल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर रेड आइकन देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो चैनल है वो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। और साथ ही में अगर आप दूसरे चैनल पर जाना चाहो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पर बंद कर दी है अपनी। और यहाँ पर अब बात करेंगे हम इसके रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में, तो हम रिमोट से जब आएंगे मेन्यू बटन में दबाने के बाद हम जाएंगे माई लाइब्रेरी और माई लाइब्रेरी में रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हम इस पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी दो रिकॉर्डिंग फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं जो कि हमने रिकॉर्डिंग की थी। तो यहाँ पर जिंग होम की हमने रिकॉर्डिंग की है, उस पर हम रिमोट से ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाते ही आप देख सकते हो कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुली शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर आप उसको पॉज, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड जो भी करना चाहे रिमोट से आप प्ले पॉज भी कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल का फीचर जो है आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा जिंग प्लान में। 2 साल का रिचार्ज भी, रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी, और नहीं पर आप रिकॉर्डिंग को एडिट करना चाहो, प्रीव्यू करना चाहो, यहाँ पर उसको जो है आप रिज्यूम करना चाहो, तो सभी की फंक्शनलिटीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया फीचर जो है मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का देखने को मिला है। तो दोस्तों ये कुछ फंक्शनलिटीज है इस बॉक्स में और 2 साल का रिचार्ज तो आपको मिल ही रहा है।